जब दिश अजब काली है जब दिश अजब काली है सुख संपत्ति से हरी भरी इस भारत की फुलवारी है इस भारत की फुलवारी है फुलवारी है फुलवारी है लो गुरुदेव रामायण तो पूरी हो गई आनंद परमानंद आज महर्षि वाल्मीकि का महाकाव्य संपूर्ण हो गया। हाँ वत् आलोचन देवी शारदा की कृपा से मेरे जीवन का महान ध्येय पूरा हो गया। कितनी सुंदर रचना कैसा श्रुति मधुर काव्य। हाँ वत् श्री राम का उज्जवल चरित्र ही स्वयं काव्य है जो लिखने वाले को कवि बना देता है। रामायण तो पूरी हो गई अब केवल यही इच्छा बाकी है कि श्री राम का चरित्र श्री राम ही को सुना दूं। रोहित आज्ञा गुरुदेव। देखो तुम अभी अयोध्या चले जाओ श्री राम से मेरा आशीर्वाद कहना और निवेदन करना कि ईश्वर की कृपा से आपके चरित्र पर जो मैं रामायण नामक महाकाव्य लिख रहा था वो आज पूरा हो गया है और आपके सामने इस चरित्र का दान करने की वाल्मीकि की इच्छा है। इसलिए आप कोई उचित समय देने की कृपा करें। ठहरो ठहरो रोहित मैं भी तुम्हारे साथ आती हूँ मुझे भी अयोध्या देखना है। नहीं नहीं वासंती तुम मत जाओ अयोध्या बहुत दूर है चल न सकोगी। क्यों न चल सकूंगी मैं तो दौड़ती हुई जाऊंगी देखिए यूं। आलोचन बड़ी नटखट है तुम्हारी बेटी ये नहीं मानेगी। चिंता न करे गुरुदेव वासंती हमारे साथ जाएगी हम भी तो अयोध्या जा रहे हैं। अभी अभी खबर आई है कि महारानी सीता देवी का सीमंतोनयन संस्कार होने वाला है। लो ये भी अच्छी खबर आई तब तो इक्ष्वाकु कुल में जल्द ही तेजस्वी राजकुमार का जन्म होगा। आनंद आनंद आनंद।
प्रचंड सौभाग्यवती हो बेटी, दूधो नहा और सूखो फलो। ये आप क्या कर रही हैं? नहीं नहीं, ऋषि कन्या हमारे लिए सर्वदा पूज्य है। महारानी जी, महर्षि वाल्मीकि जी ने आपको आशीर्वाद कहा है। धन्यवाद। तो तुम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहती हो, गंगा के किनारे? आहा, कितना सुंदर स्थान, कैसा पवित्र तपोवन। तुम धन्य हो। ऐसा मेरा भाग कहां? महाराज को तो समय ही नहीं, कल कोशिश करूंगा। करते रहो तुम कोशिश, मैंने तो तुमसे पहले ही महारानी जी का दर्शन कर लिया। आहा, कितनी प्रिया, कैसा उत्सव, क्या क्या अलंकार, कैसा वैभव। तुम्हारे कपड़े कपड़े भाई, महारानी के सीमंत ने तो नाक में दम कर रखा है। रात हो चुकी तो भी वो वही मर रही है, न जाने कहां रखे हैं तुम्हारे कपड़े उसने। लो आ गई हमारी महारानी। घर में नहीं दाने और रानी चली भुजाने। कितनी देर लगाई, कितनी देर लगाई है? ये सप्ताह की तरह बाप पड़ेगा। अरे लो, थोड़ी देर के लिए उत्सव में गई तो लगे मेरे बाप के खाल निकालने। छोड़ो, लो ये शक्कर। कहां में झोंक शक्कर वक्कर को? किसी ना किसी बहाने से हमेशा भटकती रहती है। कुल अच्छे नहीं। क्या बक रहे हो? खाम खा हर रोज बेसर पैर की सुनाते हो, अब तो हद हो गई। चुप, मना करने पर भी चली जाती है। मुझे भी क्या सोचा कि मैंने इस उम्र में शादी की? कुलता कुलता अपने ही सा जाता। हे भगवान, किस पापी से पाला पड़ा है मुझे। पापी? हाँ हाँ पापी, मैं पापी, हजार बार पापी। निर्दोष पर कलंक लगाते शर्म नहीं आती? तुम जैसे पापी के घर में रहना भी पाप है। अच्छा, तो फिर किसी धर्मात्मा की आज क्यों नहीं चली जाती? चल चल, निकल निकल मेरे घर से। अरे रे भाई, मुझे भी तो बाहर जाने दो। तू भी चल। सूर्य देव जगदीप तेज जिनका जगताजे सात अश्व के रथ पर सारथी अरु
करुण विराजे तुम उनके कुल दीपराम घर घर जय गाजे गूंज उठे दशदीश कीर्ति का डंका बाजे दानवीर हरिश्चंद्र नृपति सत्य सेवा व्रतधारी पुत्र नारी दिए बेच सत्य पर बन गए आप भिखारी कठिन तपस्या भगीरथ की श्री गंगा जी को लाए गो ब्राह्मण प्रतिपाल भूपति दिलीप राज कहाए रघुराज की गौरव गाथा कोई नहीं बिसराए अश्वमेध कर अजने जग में कीर्ति ध्वज फरकाए दशरथ जी ने देह तजा पर बचन नहीं तज पाए तुम हो उनके प्राण जगत जिनके नित दिन गुण गाए सूर्यवंश की विजय पताका तुम फिर से फरका दो राम राज से भारत में तुम सुख शांति बरसा दो राम राज से भारत में तुम सुख शांति बरसा दो कहो कहो रानी कहो ओ रानी महारानी इतना तो कहो विचार सपनों में क्या क्या देखा सपनों में क्या क्या देखा कहूँ हमने देखा दो प्रेमी का हरा भरा संसार हाँ हरा भरा संसार कहो न तुमने क्या क्या देखा हमने के प्रिय अश्व सवारी Thank you.
सपना देखा। महारानी जी की जय हो। महाराज पधारते हैं। सीते, आज तो तुम बड़ी प्रसन्न दिखती हो। क्यों ना हो, ये उत्सव ही हर एक स्त्री के लिए आनंदमय होता है। हाँ आदि पुत्र, लेकिन आज के उत्सव में सबसे ज्यादा आनंद तो मुझे तापसियों का दर्शन करके हुआ। क्या सोच रही हो देवी? जी में आता है कि एक बार फिर से पवित्र तपोवन को देखूं, तापसियों और ऋषि कन्याओं के साथ आनंद मनाऊं और पुण्य सुलीला भागीरथी में स्नान करूं। ठीक है, इन दिनों में ऐसी पवित्र इच्छा का होना बड़े भाग्य की बात है। जल्द ही मैं तुम्हारे तपोवन जाने का प्रबंध करूंगा। नहीं, मुझे महाराज राम से मिलना है, मुझे उनके दर्शन कराइए। मैं सब कुछ उन्हीं से कहूंगी, मुझे जाने दीजिए, जाने दीजिए मुझे। ये रोने की आवाज कैसी? मालूम होता है कोई स्त्री है। प्रतिहारी। आज्ञा महाराज। देखो उसे कौन रोक रहा है। उसे मालूम नहीं कि कोई भी प्रजाजन राम से किसी समय भी मिल सकता है। जाओ उसे यहाँ ले आओ। जो आज्ञा। शांत हो जाओ बहन। शुभे, तुम यहाँ निर्भय हो, बोलो क्या हुआ? मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया। तुम्हारे पति ने तुम्हें घर से निकाल दिया है? कोई अपराध? वो तो वही जाने, मैं निरपराध हूँ, मुझे आश्रय दीजिए, मैं निराधार हो गई हूँ, मुझे आश्रय दीजिए महाराज। प्रतिहारी, तुम इन्हें दुर्मुख के पास ले जाओ और उससे कहो कि इनके ठहरने का प्रबंध करे और कल सवेरे इनके पति को समझा बुझाकर इन्हें सौंप दे। कितना दुख होता है स्त्री को जब उसका पति उसे घर से निकाल देता है। और वो पति भी कितना क्रूर होता है जो अपनी प्रिय पत्नी का त्याग कर देता है। आप कुछ भी कहें, क्रूर, निष्ठुर, पाखंडी, पापी, लेकिन मैं इसे घर में नहीं रख सकता। लेकिन इसका अपराध क्या है पहले ये तो बताओ। मेरी स्त्री का अपराध पूछने वाले आप कौन होते हैं? कल मुझी कौन सा मुंह लेके यहाँ आई है? इससे तो मर जाती है तो अच्छा होता। आ रही अब तक कुछ कहा? हे भगवान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? ये तुम क्या कर रहे हो? वो महाराज राम से आश्रय मांगने गई थी, तुमने इसे घर से निकाल जो दिया। बेचारी क्या करती? और क्या करती, सती होती तो पड़ी रहती दरवाजे के बाहर रात भर। ऐसा न कहो, निर्दोष पर कलंक लगाना ठीक नहीं। तुम धोबी दूसरों का मैल धोते हो लेकिन अपने मन का मैल इस तरह छुपाए रखते हो। देखो महाराज रामचंद्र जी ने आज्ञा दी है कि तुम इसे घर में रख लो।
महाराज रामचंद्र जी ने ही आज्ञा दी है। हाँ वे तो प्रजा को यही कहेंगे, क्योंकि उन्होंने खुद रावण के यहाँ रही हुई महारानी सीता को घर में रख दिया है ना। लेकिन मैं महाराज राम जैसा भोला नहीं जो इसे घर में रख लूं। चुप! क्या बक रहा है? आगे कुछ भी कहा तो जबान खींच लूंगा। नीच पापी, चल तुझे इस राजनिंदा के लिए महाराज राम को जवाब देना पड़ेगा। लेकिन अकेला थोड़े कह रहा हूँ, बहुत सारी यही कहते हैं। चल छोड़ दीजिए, मत ले जाइए, हमारा कोई झगड़ा नहीं, कोई नहीं। लो ये भी कोई न्याय है? इसी का नाम रामराज है भाई। लेकिन धोबी को भी जरा सोच समझ के बोलना चाहिए था। अरे इसमें सोचने की क्या बात है, उसने कुछ झूठ थोड़ी कहा है। अगर सच कहने का यही फल हो तब तो ऐसे रामराज की बलिहारी है। जाने दीजिए आर्य, एक धोबी के कहने पर आप इतना रंज क्यों कर रहे हैं? लक्ष्मण, देवी सीता के लिए प्रजा में ऐसी शंका का उठना ही मेरे लिए दुख की बात है। इसके अतिरिक्त यह रघुकुल की कीर्ति का सवाल है। संभावितों के लिए अब कीर्ति मरण से भी ज्यादा है। हमें इसका निवारण करना ही होगा। ये आप कहां तक करते रहेंगे? जितने मुंह उतनी बात। आज एक धोबी ने ऐसा कहा, कल कोई दूसरा मूर्ख ऐसा कहेगा। यही तो मैं जानना चाहता हूं कि ये मत केवल एक धोबी का है या प्रजा के दूसरे सभ्यजन भी यही कहते हैं। आज ही लोकसभा में इसका निर्णय हो जाएगा। दुर्मुख, धोबी को छोड़ दो और उसे लोकसभा में उपस्थित करो। धोबी का कोई दोष नहीं। अच्छा हुआ कि यह प्रश्न लोकसभा के सामने आया। लोगों का यह अधिकार ही है। अगर ऐसा ना हो तो रामराज कैसा? महाजनों, ब्राह्मणों और क्षत्रिय, वैश्यों और शूद्रों, महारानी के बारे में प्रजा में जो प्रश्न उठा है उससे मुझे बड़ा दुख होता है। जिसने अवतार लेकर पृथ्वी को पवित्र कर दिया, ऐसी सती की पवित्रता में लोग शक करते हैं? नहीं गुरुदेव, हम महारानी की पवित्रता में शक नहीं करते। लेकिन ये प्रश्न अयोध्या के राज सिंहासन का है। इस पवित्र सिंहासन पर रघुकुल की कोई ऐसी महारानी नहीं बैठी जिसे दुराचारी के यहां रहना पड़ा हो। हां गुरुदेव, रघुकुल की उज्जवल कीर्ति को निष्कलंक रखने के लिए इस शंका का समाधान जरूर होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए तो मैं इस पौर जानपद के सामने उपस्थित हुआ हूं। लोगों में ऐसी शंका उठेगी ये श्री राम जानते थे, इसीलिए तो रावण वध के बाद लंका में जब सीता जी के शिकार करने का समय आया तब श्री राम ने सीता जी से कहा कि तुम्हें जगत को अपनी पवित्रता का प्रमाण देना होगा। तब सीता जी ने उसी समय चिता तैयार कराई और हे अग्निदेव, आप सब जीवों के पाप पुण्य के साक्षी हैं। यदि मैंने मन वचन या शरीर से स्वप्न या जागृत अवस्था में श्री रामचंद्र के सिवा किसी का भी पतिभाव से चिंतन किया हो तो आप मेरे शरीर को अभी भस्म कर दें।
पवित्र हो, पवित्र हो। सीते तुम पवित्र हो। मैं सबको पवित्र करता हूं, लेकिन आज तुमसे स्वयं पवित्र हो गया। केवल मैं ही नहीं, तुमसे मिथिला पवित्र हुई है, अयोध्या पवित्र हुई है, ये राक्षस भूमि पवित्र हुई है, सारा जगत पवित्र हुआ है। श्री राम, देवी सीता का स्वीकार करो। अग्नि परीक्षा होने के बाद महाराज रामचंद्र ने सीता जी को स्वीकार किया। नहीं गुरुदेव, हम सीता देवी की पवित्रता पर शक नहीं करते, लेकिन वे महारानी हैं और महाराज ने उन्हें स्वीकार किया है। प्रजा भी ऐसा ही करने लगेगी, क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा। ठीक है, शास्त्र में कहा है कि धर्ममपि लोक विकृष्टो न आचरेत, धर्म कार्य भी लोक विरुद्ध होकर राजा को नहीं करना चाहिए। मैं भी तो यही कहता हूं, सच बोलने का सबका अधिकार है, ये रामराज है। आप हर एक से पूछ सकते हैं कि वो पराए घर में रही हुई अपनी पत्नी को फिर घर में रख सकता है। तो क्या श्री राम ने सीता जी का स्वीकार किया, ये आपको पसंद नहीं? तो क्या महाराज ने ये भूल की है? क्या आप लोगों का यही निर्णय है? लोकमत बड़ा चंचल होता है। श्री राम ने सीता जी का स्वीकार किया, ये आपको पसंद नहीं? तो क्या महाराज ने ये भूल की है? क्या आप लोगों का यही निर्णय है? भगवान सविता नारायण, पूज्य पूर्वजों, आपने अपनी कर्तव्य परायणता से सूर्यकुल की कीर्ति को अब तक उज्ज्वल रखा है। आज उसी सूर्यकुल की कीर्ति का सवाल मेरे सामने है। सीता और लोकमत के झंझावात में मैं फंस गया हूं। मैं जानता हूं कि सीता पवित्र मेरा अपराध है, फिर मैं क्या करूं? मुझे रास्ता दिखाइए, मुझे कर्तव्य सुझाइए, मुझे कर्तव्य सुझाइए। राजा को पहले लोकमत ही देखना चाहिए। लोकरंजन ही राजा का परम धर्म है। इसी धर्म की रक्षा के लिए राजा को अपने सुख दुख का विचार छोड़ देना चाहिए। प्रजा ही राजा का सर्वस्व है। राजा प्रजा के लिए है, किसी व्यक्ति के लिए नहीं। राम, तुम्हें राजा होकर रहना चाहिए। तुमने लोक सेवा की प्रतिज्ञा की है। लोक रक्षा की राजा का धर्म है। लोक रक्षा की राजा का धर्म है। लोक रक्षा की राजा का
मैंने लोक सेवा की प्रतिज्ञा की है, जीवन पर्यंत प्रजा की सेवा, प्रजा के पालन और प्रजा के रंजन करने की प्रतिज्ञा की है। यही मेरा कर्तव्य है, यही मेरी प्रतिज्ञा है। अब मैं राम नहीं, राजा राम हूं। मुझे राजा होकर रहना चाहिए। राजा को कोई पति नहीं, कोई भाई नहीं, कोई माता नहीं, कोई पिता नहीं। राजा को किसी भी व्यक्ति से प्रेम नहीं, प्रजा ही राजा का सर्वस्व है। मुझे राजा होकर रहना चाहिए, मुझे राजा होकर रहना चाहिए। प्रतिहार, लक्ष्मण से कहो कि तुम्हें राजा राम बुला रहे हैं। महामंत्री, कल सवेरे सूर्योदय से पहले एक अच्छे से अच्छा रथ तैयार रखो। कोषाध्यक्ष, स्त्रियों के बहुत से वस्त्राभूषण देवी सीता के महल पहुंचा दो। महाराज की जय हो। प्रणाम, पधारिए। नहीं महाराज, मैं केवल इतना ही निवेदन करने आया था कि महर्षि वाल्मीकि ने आपका आशीर्वाद भेजा है। उन्होंने आपके चरित्र पर रामायण नामक महाकाव्य लिखा है और वो पूरा हो गया है। रामायण? नहीं कुमार, तुम महर्षि से कहो, रामायण अभी पूरी नहीं हुई। महाराज वो पूरी हो गई है। तुम नहीं समझते कुमार, वो पूरी नहीं हुई। नहीं हुई? क्यों महाराज? आगे कुछ न पूछो कुमार, आगे कुछ न पूछो। महाराज की जय हो। लक्ष्मण, तुमने लोकमत सुना? सुन लिया आर्य, लेकिन हमें ऐसे लोकमत की परवाह नहीं करनी चाहिए। ऐसा न कहो लक्ष्मण, लोकमत से ही राज चलता है, इसलिए राजा को लोकमत की परवाह जरूर करनी चाहिए। लेकिन जब हम ये जानते हैं कि देवी सीता पवित्र हैं, उनकी अग्नि परीक्षा भी हो चुकी है, तो इस हालत में हम लोगों को किस तरह संतुष्ट कर सकते हैं? इसका उपाय मैंने सोच लिया है लक्ष्मण। क्या? सीता का त्याग। सीता का त्याग? आर्या सीता का त्याग? हाँ लक्ष्मण, मैंने रथ तैयार करवाया है। कल सवेरे सूर्योदय से पहले तुम्हें चुपचाप देवी सीता को वन में छोड़ाना होगा। ये मैं क्या सुन रहा हूं? क्या आप ये कह रहे हैं? आप श्री राम? सीता हरण के बाद जिनके आंखों में आंसू नहीं थमते थे, जिन्होंने रो रो कर पंचवटी के पत्थरों तक को पिघला दिया था, वही राम, वही राम आप सीता का त्याग करने के लिए कह रहे हैं? नहीं लक्ष्मण, उस राम का हृदय तो आज भी ये कहते हुए फटा जा रहा है। आज भी सीता के वियोग में उसे उतना ही दुख होगा जितना तब हुआ था। लेकिन ये सब तो राम के लिए है, राजा राम के लिए नहीं। राजा राम बड़ा निष्ठुर है। राम के हृदय की पुकार राजा राम के कानों तक नहीं पहुंच सकती लक्ष्मण, नहीं पहुंच सकती। तो क्या मैं ये समझ लूं कि राजा राम इतने निष्ठुर हैं कि वो देवी सीता को बिना अपराधी बन भेज रहे हैं? इसमें अपराध की बात नहीं लक्ष्मण, ये कर्तव्य का सवाल है। जब पिताजी ने मुझे बन भेजा तो मेरा कोई अपराध था क्या? लक्ष्मण, लोक रंजन बड़ा कड़वा घूंट है, उसके लिए बहुत कुछ स्वार्थ त्याग करना पड़ता है। तो क्या लोग जो चाहे वही करना होगा? प्रजा जो मांगे वही देना होगा? प्रजा अगर कहे कि आप सरयू के प्रवाह को रोक दें, मेरु को उखाड़ कर फेंक दें, आकाश के तारों को नीचे गिरा दें, तो क्या ये भी करना होगा? प्रजा अगर कहे कि आप अपने माता पिता भाई पत्नी आदि का सरकार कर उसे दे दें, तो क्या वो भी देना होगा? लक्ष्मण, भावना से कर्तव्य ऊंचा, कर्तव्य पालन के लिए
कभी कभी अशक्य और अप्रिय बातों को भी निभाना पड़ता है। पिता की आज्ञा से क्या भगवान परशुराम को माता का सर नहीं काटना पड़ा था? हमारे पूर्वज महाराज हरिश्चंद्र को रानी तारामती को बेचकर चांडाल का दास नहीं बनना पड़ा था? और फिर तुम तो जानते हो लक्ष्मण कि मैंने आमरण लोक रंजन और प्रजापालन की प्रतिज्ञा की, इसलिए तुम्हें देवी सीता को वन में छोड़ आना होगा। नहीं, ऐसी निष्ठुरता मुझसे नहीं होगी। बरसों तक वन के घोर दुख सहने के बाद जिनके जीवन में सुख की थोड़ी सी छाया दिखने लगी है, ऐसे समय में उन्हें फिर वन में छोड़ाऊं? नहीं आर्य, ऐसा मैं नहीं कर सकूंगा, यह मैं कभी ना करूंगा। तुम्हें करना ही होगा लक्ष्मण। नहीं, कभी नहीं। लक्ष्मण, ये राजा की आज्ञा है, तुम्हें राजा की आज्ञा का पालन करना ही होगा, तुम्हें राजा की आज्ञा का पालन करना ही होगा। जाओ। जो आज्ञा। भैया, भैया लक्ष्मण, क्या बात है? कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी? राजा राम की आज्ञा का पालन करने। आर्यपुत्र, आर्यपुत्र प्रणाम करती हूँ। सीते, देवी। भैया लक्ष्मण को आपने क्या आज्ञा दी है? आज्ञा? आज्ञा? वही तो, तुम्हें तपोवन जाना है ना, गंगा के किनारे। कल सवेरे ही वो तुम्हें वन ले जाएगा। इसलिए वे दुखी हैं और आप भी दुखी हैं। देवी, सीते, आज आपके स्पर्श में इतना कम, आप इस तरह मेरी तरफ, लेकिन मैं हमेशा के लिए थोड़ी ही जा रही हूँ, और अगर आपको दुख होता है तो मैं नहीं जाऊंगी। तुम्हें जाना ही चाहिए देवी। तो फिर आपके दुख का कारण? देवी, राजकारण इतने दुख और निष्ठुरता से भरा हुआ होता है कि कभी कभी, खैर ये सब बातें सुनाकर मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता। कल सूर्योदय से पहले ही तुम्हें जाना होगा, तैयार रहना। हाँ, कितना दुख होता है स्त्री को जब उसका पति उसे घर से निकाल देता है। और वो पति भी कितना क्रूर होता है जो अपनी प्रिय पत्नी का त्याग कर देता है।
साक्षी थे। हैं? चित्रलेखा? महारानी जी, महारानी जी, महारानी जी, महारानी जी, रात बहुत हो गई है महारानी जी, आप सो जाइए ना। न मालूम नींद मुझसे क्यों आंखें चुरा रही है। महारानी जी आप सो जाइए ना, मैं वीणा बजाती हूँ। जीवन के सब तार हिला
बजाओ, बिना बजाओ चित्रलेखा। मैं न बह जाओ राम, तुम ही तो कहते थे भावना से कर्तव्य ऊंचा है। तुम राजा हो, लाखों के पालनहार, एक साधारण मनुष्य नहीं। मनुष्य के मनोभावों को तुम्हें जीतना चाहिए। मोह, अभिमान, ईर्ष्या, भय, क्रोध, ममता, आनंद, दया, इन सब भावों को जीतकर तुम्हें कर्तव्य पर स्थिर रहना चाहिए। इसी में ही तुम्हें शांति मिलेगी। अभिनय की क्षमा करें महारानी जी, आज किसी को भी अंदर जाने की आज्ञा नहीं। मुझे भी नहीं, मैं भी महाराज से नहीं मिल सकती। क्षमा कीजिए महारानी जी। महारानी जी, देर हो रही है, चलिए ना। सूर्यदेव, मेरी रक्षा कीजिए, मुझे कर्तव्य पालन की शक्ति दीजिए।
माता पृथ्वी। मैं जा रही हूं, मेरी रक्षा करना मां। प्रणाम करके जब मैं आदि पुत्र से मिलने गई तो प्रतिहार ने मुझे भी रोक दिया। तो क्या ऐसा भी कोई राजकारण होता है कि राजा अपनी पत्नी से भी नहीं मिल सकता? अरे तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या तुम भी राजकारण में फंसे हो? क्यों नहीं? पर न बोलो, मैं खुद महाराज से पूछ लूंगी। कल ही तो मुझे लौट आना है ना, और देखो भैया, तपोवन में कोई कितना भी कहे तो भी हमें ज्यादा ठहरना नहीं है ना? कल से आर्य पुत्र की हालत तो तुम देख रहे हो ना, कितना कष्ट उठाते हैं प्रजा के लिए। और क्यों ना उठाएं, प्रजा भी कितनी अच्छी है हमारी। लेकिन तुम तो कुछ बोलते ही नहीं, रास्ता कैसे कटेगा? अब तो बहुत दूर जाना है। दूर नगरिया ते नगरिया तेरी चल तू, दूर नगरिया तेरी चल तू, दूर नगरिया तेरी चल ना, चल चल ना ना चल, अरे चल 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 तू, दूर नगरिया तेरी चल तू, दूर नगरिया तेरी। कदम कदम पर आशा थकनी, कदम कदम पर आशा थकनी, देती है तो फेरी।
नगदिया तेरी, चल तू दूर नगदिया तेरी। ऊंचे ऊंचे महल देख कर काश मन लल जावे, ऊंचे ऊंचे महल देख कर काहे मन लल जावे। अपने तो वो भली झुपड़िया, अपने तो वो भली झुपड़िया, ये कछु काम न आवे, ये कछु काम न आवे। किसने भ्रम में गेरी, किसने भ्रम में गेरी, चल तू दूर नगदिया तेरी, चल तू दूर नगदिया तेरी। उड़ने वाले पंछी वो पंछी, उड़ने वाले पंछी, ले चल काहे लगावे देरी, ले चल काहे लगावे देरी। राम दरस के प्यासे नैना, राम दरस के प्यासे नैना, अजब मोहिनी गेरी, अजब मोहिनी गेरी। चल तू दूर नगदिया तेरी, चल तू दूर नगदिया तेरी। मुझसे नहीं रहा जाता, रास्ते भर तुम कुछ बोले नहीं, सच बताओ भैया क्या बात है, ऐसा कौन सा प्रसंग आ पड़ा है जो तुम दुखी हो, और ये पुत्र भी दुखी हैं, यहाँ तक कि वो मुझसे मिल भी न सके, मेरा तो कोई अपराध नहीं, नहीं। फिर जो कुछ भी हो साफ साफ कहो भैया। माता जी, दुनिया में कभी कभी निरपराध को भी दंड भोगना पड़ता है। दंड? क्या कह रहे हो? हाँ माता जी, महाराज रामचंद्र जी ने आपको निर्वासन दंड दिया है, महाराज ने महारानी सीता का त्याग किया है। त्याग? मेरा त्याग? राम ने सीता का त्याग किया है? मेरे राम ने मुझे दंड दिया है? मेरे प्रभु ने मेरा त्याग किया है? राम! सीता का त्याग नहीं किया, लेकिन राजा राम ने महारानी सीता का त्याग किया है। माता जी, आप तो जानती हैं कि राजा प्रजा का सेवक है, और प्रजा के सुख के लिए उसे अपने सुख का बलिदान देना पड़ता है। आपको लंका में अकेले रहना पड़ा, इस बारे में प्रजा में चर्चा हुई, और लोक रंजन के लिए महाराज को आपका त्याग करना पड़ा। तो क्या राम को सीता से लोक रंजन ज्यादा है?
अगर राजा के लिए कोई धर्म है तो पति का कोई धर्म नहीं, अगर प्रजा का कोई अधिकार है तो पत्नी का कोई अधिकार नहीं, स्त्री की कोई आवाज नहीं। क्या स्त्री का यही कर्तव्य है कि वो सब कुछ सहा करे? लेकिन माता जी, श्री राम को भी कितना सहना पड़ा, आपका त्याग करके उन्हें कितना दुख होता होगा ये तो आप जानती हैं। लेकिन वो क्या करें, जिन्होंने लोक सेवा का व्रत लिया है उन्हें स्नेह, दया, माया, ममता और अपने निजी सुख का बलिदान करके बहुत कुछ सहना पड़ता है। लेकिन भैया, सहने की भी कोई हद होती है। लोगों को मैं किस मुंह से कहूं कि मेरे पति ने मेरा त्याग किया है? संसार मेरी तरफ किस दृष्टि से देखेगा? हाँ, ये कल्पना भी असही है। तुम जाओ लक्ष्मण, अब मैं तुम्हें भी अपना मुंह नहीं दिखा सकती। लेकिन माता जी, मैं आपको महर्षि वाल्मीकि के आश्रम तक। तुम जाओ भैया। लेकिन ये, जाओ लक्ष्मण, तुमने महाराज की आज्ञा का पालन किया है, अब महारानी की आज्ञा का पालन करो, जाओ। तुम्हारा त्याग किया? हाँ गुरुदेव, लंका में मुझे रहना पड़ा, उस पर प्रजा ने शंका उठाई और लोक रंजन के लिए राम ने मेरा त्याग किया। प्रजा ने शंका उठाई? अग्नि परीक्षा होने पर भी प्रजा ने शंका उठाई और लोक रंजन के लिए राम ने तुम्हारा त्याग किया? राम, तुम सच्चे मर्यादा पुरुषोत्तम हो, तुम आदर्श राजा हो। आज तुमने सूर्य कुल की कीर्ति को और भी उज्जवल कर दिया। महर्षि, सीते, मैं जानता हूं तुम पर बड़ा अन्याय हुआ है, लेकिन राम पर भी तो अन्याय हुआ है। राम का तुम पर कितना प्रेम है और तुम्हारा त्याग करते हुए उनकी क्या दशा हुई होगी वो मैं जानता हूं। इतना दुख सहकर भी राम ने राज धर्म का पालन किया है और तुम सीता ऐसे आदर्श राजा की रानी होकर तुम ये क्या कर रही हो? राम के वंश के लिए भी तो कुछ सोचो। हाँ, सच है,
राम के वंश के लिए मुझे जीवित रहना चाहिए। मुझे भी महाराज के कर्तव्य पालन में सहकार देना चाहिए। मुझे भी पत्नी धर्म का पालन करना चाहिए। लेकिन गुरुदेव, ये सब मैं किस तरह कर सकूंगी? अयोध्या की प्रजा ने मुझ पर कलंक जो लगाया है। अयोध्या की प्रजा? सीता, एक न एक दिन प्रजा को अपने इस पाप का पूरा प्रायश्चित करना पड़ेगा। तुम रो नहीं बेटी, इस वृद्ध तपस्वी की आंखों के सामने भविष्य स्पष्ट दिख रहा है कि तुम्हारे पवित्र नाम पर कभी भी कलंक नहीं रहेगा। और यावत चंद्र दिवाकरो एक आदर्श सती मानकर संसार तुम्हारी पूजा करेगा। चलो बेटी, आश्रम में चलो। धीरज रखो बेटी, मेरी वरुण कुटी में चक्रवर्ती का जन्म हो ऐसा ही ईश्वर का संकेत होगा। लेकिन गुरुदेव, मेरी एक ही विनती है, किसी को ये मालूम न हो कि मैं सीता हूं। मेरे कारण मेरे राम को कोई दोष दे, ये मैं नहीं चाहती। अच्छी बात, चलो बेटी। राजमहल, अरे ये सब बदल गया। पिताजी, पिताजी हैं आप? महारानी, कौन है आप? गुरुजी, 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 हमारी कुटी में कौन है? बिल्कुल महारानी सीता से मालूम होती है। अच्छा, तो फिर तुमने अयोध्या में महारानी सीता को देख लिया? सिर्फ देखा ही नहीं, उन्होंने मुझे प्रणाम भी किया और कहा कि तुम ऋषि कन्या हमारे लिए हमेशा पूजनीय हो। लेकिन ये कौन है, नाम क्या है? वनदेवी। वनदेवी? लेकिन गुरुजी, बिल्कुल महारानी सी मालूम होती है, कैसा चमत्कार। हाँ बेटी, सृष्टि में कभी कभी ऐसे भी चमत्कार होते हैं। जाओ बेटा। प्रणाम गुरुदेव। ओ रोहित, चिरंजीव हो। गुरुदेव, आपका संदेशा मैंने महाराज रामचंद्र को पहुंचाया, लेकिन वो कहने लगे कि रामायण अभी पूरी नहीं हुई। हाँ मैं जानता हूं, रामायण अभी पूरी नहीं हुई।
जब विधि का लेख किसी से पढ़ा नहीं जाए, किसी से पढ़ा नहीं जाए, राजमहल की रानी फिर से बनो वाजपाई, फिर से बनो वाजपाई, वैदेही को त्याग दुखी प्रभु मन ही मन होवे, दुखी प्रभु मन ही मन होवे, कंद मूल पल खाए कुशा के आसन पर सोवे, कुशा के आसन पर सोवे, दिन रात सिया की याद न भूले पल भी रघुराई, न भूले पल भी रघुराई, नैनों की उड़ गई नींद उदासी मुख पर है छाई, उदासी मुख पर है छाई, यहाँ राम की रटना सीता सदा लगाती थी, रटना सदा लगाती थी, मन में रख कर प्रभु की मूरत दुख बिसराती थी, अपना दुख बिसराती थी, कभी सींचती बेल, कभी सींचती बेल, कभी हिरनों को खिलाती थी, कभी हिरनों को खिलाती थी, कभी गूंथती हार कभी गंगा जल लाती थी, कभी गंगा जल लाती थी, कभी राम की याद, कभी राम की याद, तड़क बिजली सी जाती थी, तड़क बिजली सी जाती थी, वो भजम बाप से भरी तड़प मन में रह जाती थी, तड़प मन में रह जाती थी, गई अंधेरी रात, गई अंधेरी रात, उषा आशा की बन छाई, शुभगणि शुभ दिन आया, जानकी जननी पद पाई, जानकी जननी पद पाई। भाग्यवती है उर्मिला, लेकिन मेरे सीता, जाया ना, जाया ना।
बंसी, बाल भी जान जब खावन बंसी, बाल भी जान जब खावन बंसी। ऐसे तो वे एक ही हैं। देखो ये दर्प एक ही है ना, लेकिन इसको कहते हैं लव और इसको कहते हैं कुछ, अलग अलग हुए ना दो। हाँ हाँ, तो फिर यही नाम रखिए ना गुरुजी, लव और कुश। अच्छे हैं। हाँ हाँ अच्छे हैं गुरुदेव, ठीक ही तो है, यही नाम रखिए ना गुरुदेव। हाँ ठीक है, यही रखेंगे। ये है लव और ये है कुश, कैसी जोड़ी ललित ललाम, मैंने रखा लव कुश नाम। छोटे से फूल मेरे नन्हे से फूल, झूले में झूल लला, झूल तू झूल, झूल तू झूल, सूरज व चंदा से जुड़ी है प्यारी, लव कुश बनेंगे बड़े धनुधारी, राजा बनो महाराजा बनो, राजा बनो तो हमें जाना न भूल, राजा बनो तो हमें जाना न भूल, मेरे छोटे से फूल, मेरे नन्हे से फूल, झूले में झूल लला, झूल तू झूल, झूल तू झूल, झूल तू झूल, झूल तू झूल। सीते बेटी। गुरुदेव ये कैसा दुर्भाग्य, अगर मैं अयोध्या में होती
तो सोने के रत्न जड़ी खिंडोले में इन राजकुमारों को छुलाया जाता, हजारों राष्ट्रियां मंगल गीत गाती, सारी अयोध्या खुशी से फूली न समाती। लेकिन आज न जाने मेरे बच्चों के भाग में क्या लिखा है। सोच न करो बेटी, बहुत से महापुरुषों के जन्म गरीब की झोपड़ी में ही हुए, और पिता के नाम से प्रसिद्ध होने की अपेक्षा अपने पराक्रम से प्रसिद्ध होना यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। यद्यपि गरीब की टूटी फूटी झोपड़ी में तुम्हारे पुत्रों का जन्म हुआ है, तो भी जब तक मैं उन्हें राजनीति निपुण न बनाऊं और जगत को चकित कर दे ऐसी शस्त्रास्त्र विद्या न सिखाऊं, तब तक वाल्मीकि की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। बेटा कुछ खींचो और खींचो जोर से कान तक, अब छोड़ो। शाबाश बेटा, लाओ अब तुम आओ। हां बेटा खींचो, वाह छोड़ो, शाबाश। अच्छा चलो अब राक्षस संहार। मैं रावण को मारूंगा, और मैं इंद्रजीत को, और मैं विभीषण को। विभीषण को? अरे हाँ हाँ विभीषण को, वो भी तो एक राक्षस है ना। अरे वक्र तुम, वो तो राम के परम भक्त हैं, हम रोज रामायण का गान करते हैं, तुमने क्या सुना? सुना होगा लेकिन ध्यान में किसके रहता है। तब तो तुम वक्र तुम ही नहीं वक्र बुद्धि भी हो। सुनो तो, ये कुंभकर्ण रह गया ना, सो रहा है, इसे कौन मारेगा? इसको मैं मारूंगा। नहीं नहीं, सोए हुए को मारना ये क्षत्रिय का धर्म नहीं। वासंती ले जाओ उसे। फिर से ले जाओ, इतना बड़ा बोझ यही मरने दो। चलो सब तैयार। चलो रावण, ये आंख,
अब इंद्रजीत ये नाक ये जीव अब बाकी के सर उड़ा दो। बस समाप्त। ठहरो ठहरो, वो क्रूज पक्षी। ठहरो बेटा, ठहरो। ये क्या कर रहे हो बेटा? किसी प्रेमियों में वियोग कराना अच्छा नहीं। ऐसे ही क्रोध के एक जोड़े का करुण दृश्य मैंने देखा था, जिसे देखकर मेरे हृदय में भावना का सागर उमड़ आया और मेरे मुंह से एक छंद निकल पड़ा। उसी छंद पर ही रामायण के काव्य का जन्म हुआ। बेटा, वियोग का दुख बहुत बुरा होता है। तुम भी तो अपने पिता से अच्छा अच्छा हमारे पिता गुरुदेव, क्या कहा आपने? कुछ नहीं, कुछ नहीं बेटा। खेलो खेलो बेटा। कौन है हमारे पिता? लो, अपने पिता कौन है ये भी मालूम नहीं। चुप। तो फिर बता ना बाप का नाम। अरे पता हो तो बताए ना। बाप का नाम मालूम नहीं। बाप का नाम माता जी। माता जी, हमारे पिता कौन है? कौन है हमारे पिता? इनका क्या नाम है? कहाँ रहते हैं हमारे पिता? तुम्हारे पिता तो भगवान है बेटा। भगवान तो सबके पिता है, लेकिन हमारे पिता कौन है? तुम्हारे पिता, हाँ तुम्हारे पिता तो बड़े राजा हैं, बड़े न्यायी, बड़े दयालु, बड़े बड़े प्रजावत्सल। लाओ बेटा कुछ। तुम लोग यहां क्यों आए? अभी तक युद्ध कांड का पाठ भी पूरा नहीं किया। लेकिन गुरुदेव, हमारे पिता का नाम? समय पर सब मालूम हो जाएगा। जाओ पाठ पूरा करो। सीते। गुरुदेव, इस बात को हम कहां तक छिपाते रहेंगे? कब तक ये दुख सहना पड़ेगा? कब तक ये दुख सहना पड़ेगा? तुमने सच कहा था मां, आत्मा को शांति नहीं। छोड़ो ये बात, वर्षों बीत गए, राज वैभव छोड़ दिया, तापस की तरह कंदमूल खाते हो, जमीन पर सोते हो, कितनी कठिन तपस्या। राम,
लोग तुम्हें धीरवीर पुरुष कहते हैं, बड़े बड़े दुश्मनों को तुमने जीता, अपने मन को नहीं जीत सकते बेटा। माँ, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। आज तुम्हारा जन्मदिन है, तुम्हें अन्न ग्रहण करना ही पड़ेगा। अच्छा माँ। चित्रलेखा, ले जाओ। महाराज की जय हो। गुरुदेव पधारे हैं। प्रवेश कराओ। आज्ञा गुरुदेव, आपने क्यों कष्ट किया? प्रजा में सब सुख शांति है ना? तुम्हारे जैसे आदर्श राजा के होते हुए प्रजा को क्या दुख हो सकता? ऐसी दशा में भी तुम अच्छी तरह प्रजा पालन, प्रजा रंजन और प्रजा सेवा कर रहे, तुम धन्य हो। इसी का नाम राम राज्य है। लेकिन हमें एक ही बात का दुख है कि ये सब करते हुए तुम्हारे आत्मा को शांति नहीं। शांति? इस जन्म में तो शायद नहीं मिलेगी गुरुदेव। जानबूझकर तो मुझसे कोई पाप नहीं हुआ, फिर न मालूम मुझे किस पाप का फल भोगना पड़ रहा है। अभिनय की क्षमा करें गुरुदेव, निर्दोष स्त्री के तड़पते हुए हृदय की पुकार पृथ्वी को भी हिला देती है। आर्या सीता का त्याग अगर पाप माना जाए कुछ तो भी हो। लक्ष्मण, हमने जो अश्वमेध यज्ञ की योजना की है उससे सब आपत्ति का निवारण हो जाएगा। अश्वमेध यज्ञ? हाँ आर्य, इस यज्ञ से आपके आत्मा को शांति मिलेगी। और महाराज, चक्रवर्ती पद पाने से रघुकुल का यशोगान दिगंत में गूंज उठेगा। लेकिन ये कैसे हो सकता है महामंत्री? आप तो जानते हैं किसी भी धर्म कार्य में पत्नी की जरूरत होती है। इसके लिए भी मैंने सोचा है महाराज। क्या? दूसरा विवाह। राजा के लिए दूसरा विवाह शास्त्रोक्त है ना गुरुदेव? दूसरा विवाह, दूसरी पत्नी? ये तुम क्या कह रहे हो महामंत्री? तुम नहीं जानते कि राम के एक ही पत्नी है और एक ही पत्नी रहेगी। मन, वचन और कर्म से राम ने सीता को ही अपनी पत्नी समझा है। अगर पत्नी के बिना ये यज्ञ न होता हो तो मुझे ऐसे यज्ञ की जरूरत नहीं। अगर ये यज्ञ करने से ही आत्मा को शांति मिलती हो तो मुझे ऐसी शांति की भी जरूरत नहीं। सीता की पवित्र स्मृति के लिए मैं कोई भी यातना भोगने को तैयार हूं। राम को चक्रवर्ती पद की कीर्ति भले ही न मिले, लेकिन जगत के सामने राम के एक पत्नी व्रत का आदर्श रहे, यही मेरे लिए सबसे बड़ा यज्ञ है। आहा, राम तुम धन्य हो। हम जानते हैं कि तुम एक वाणी, एक वचन और एक पत्नी व्रतधारी हो। तुम्हारे इस उज्जवल आदर्श को रखते हुए भी ये कार्य हो सके ऐसा कोई शास्त्रोक्त उपाय हम ढूंढ निकालेंगे। अगर ऐसा कोई उपाय निकल सकता हो तो ये यज्ञ हम जरूर करेंगे गुरुदेव। जिया डोले, जिया डोले, डोले डोले, आज जिया डोले आनंद से हमारो, आज जिया डोले आनंद से हमारो, नाचो नाचो गगन के तारो, नाचो नाचो गगन के तारो,
जिया डोले जिया डोले आनंद से हमारो आज जिया डोले आनंद से हमारो वन में उमंग उठी मन में तारंग उठी वन में उमंग उठी मन में तारंग उठी नैनों की धीर टूटी कोयलिया कूक उठी नैनों की धीर टूटी कोयलिया कूक उठी मोर जिया नाचे मोर जिया नाचे मगन हो प्यारो आज जिया डोले जिया डोले आनंद से हमारो आज जिया डोले आनंद से हमारो आशा के फूल खिले बीना के तार मिले आशा के फूल खिले बीना के तार मिले बरसा की कचड़ी पौधों को प्राण मिले बरसा की कचड़ी पौधों को प्राण मिले राम हमें केवल सहारो सहारो राम हमें केवल सहारो सहारो आज जिया डोले जिया डोले आनंद से हमारो आज 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 जिया डोले आनंद से हमारो कुछ सुना क्या अभी तक नहीं सुना लेकिन क्या 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 मैं फिर से अयोध्या जाऊंगी अयोध्या क्यों अरे महाराज रामचंद्र जी अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं मुझे याद है जब मैं छोटी सी थी तब एक बार अयोध्या गई थी आहा वही राजमहल वही वैभव वही महारानी सीता ये सब मैं फिर से देखूंगी तब तो हम भी चलेंगे तुम तो ये रामायण ही पढ़ते रहो वाह ऐसा क्यों हमें भी ये रामायण पढ़ते हुए महाराज और महारानी को देखने की इच्छा बहुत दिनों से हो रही है चलो लो गुरुजी से आज्ञा ले लें गुरुजी ना बाबा ना वो तो कहेंगे पहले युद्ध कांड का पाठ पूरा करो जाओ तो फिर हम माता जी से ही कहेंगे हाँ चलो माता जी हमें एक बात पूछने आए हैं तुम्हें मानना ही पड़ेगा हम कभी तपोवन के बाहर गए नहीं अब कि हम अयोध्या जरूर देखेंगे महाराज रामचंद्र अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं गुरुजी को निमंत्रण आया है और माँ तुम भी चलो ना रामायण में अयोध्या का कितना अच्छा वर्णन है और माँ तुमने कभी महाराज राम को देखा है महारानी सीता को देखा है गुरुजी आ गए चलो चलो देखो माँ तुम गुरुजी से हमारे लिए जाने की आज्ञा ब्रवित्तुतरारामं साक्षिलोकस्य पावकः एषा ते राम वैदेही पापमस्यां न विद्यते अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ हो रहा है यज्ञ में पत्नी की जरूरत होती है ना हाँ बेटी तो क्या गुरुदेव राम ने दूसरी नहीं बेटी मेरे कल्पना चित्र का राम ऐसा नहीं वो एक पत्नी व्रतधारी है
और मुझे विश्वास है कि मेरी कल्पना सत्य है, और अगर वो झूठ निकली तो मैं इस रामायण को चीर फाड़ कर तमसा के गहरे जल में फेंक दूंगा। बेटी, आज ही मैं लव कुश को लेकर अयोध्या जाता हूं, सब बातों का निर्णय वहीं हो जाएगा। अच्छा हुआ जो अयोध्या में इस यज्ञ का प्रारंभ हुआ। आज्ञा दीजिए गुरुदेव। लक्ष्मण, यज्ञ का ये अश्व नवखंड पृथ्वी फिर के अयोध्या में वापस आना चाहिए। तुम बड़े पराक्रमी हो और तुम्हारे साथ अयोध्या की महान सेना है। जो कोई इस अश्व को पकड़ेगा उसे तुम्हें जीतना होगा। ईश्वर करे तुम्हें यश मिले। तुम्हें यश अवश्य मिलेगा, और इसीलिए मैं तुम्हें अयोध्या में ले आया हूं। जिस हेतु से मैंने तुम्हें रामायण पढ़ाई है उसी की सिद्धि का आज समय आया है। तुम दोनों को रामायण का गान करने के लिए यज्ञ में भेजते हुए मेरा हृदय भर आता है। ये मेरे जीवन का महान कार्य है, और तुम्हारे जीवन का रहस्य भी इसी में छिपा हुआ है। जाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारी जीभ पर सरस्वती का वास हो और कंठ से किन्नर का मधुर स्वर गूंज उठे। जिस राम नाम ने मुझ जैसे लुटेरे का उद्धार कर दिया, उसी राम नाम का गान अयोध्या की प्रजा के हृदय को भी जरूर पलट देगा। भारत के एक सन्नागे के हम कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं। मिथिला की राज दुलारे के हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भारत के प्रसन्नारे के हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।
शिव धनुष राम ने तोड़ा, शिव धनुष राम ने तोड़ा, मिला चंद्र चकोर का जोड़ा, मिला चंद्र चकोर का जोड़ा, जनकपुरी से तोड़ा नाता, अवधपुरी से जोड़ा, जनकपुरी से तोड़ा नाता, अवधपुरी से जोड़ा, कोमल थी वो कली, सुखों में पली, वनों में चली, बहुत दुख पाई, सुनकर उसकी व्यथा नैन भर आते हैं, हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं, भारत की एक सन्नारी की हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं, रावण ने छल करी सिया को हरी, विधि क्या करी शोक बन पाई, सीता सीता करे विरह में जरे, नहीं महामंत्री, गाने दो इन बालकों को, न जाने इस गाने से मुझे, गाओ बालको गाओ, भारत की एक सन्नारी की हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं, पवन पुत्र वहाँ आए, पवन पुत्र वहाँ आए, सुधी को धाए, युक्ति बहु की निसिया सुधी पाई, बढ़े लंक पर चढ़े, हूँ का दई लंक सिया लौटाई, सिया लौटाई, सिया लौटाई, जैसे दिए में तेल, तेल में बाट, बाट में तेज प्रकाशे, तस राम हृदय में सिया, सिया ही ये रामई भाते, क्या बिना प्राण के अमर दही कही देही, क्या बिना प्राण के अमर दही कही देही, क्या यही राम दरबार, ठहरो बालक ठहरो, तुम कौन हो, ये गान तुम्हें किसने सिखाया? महर्षि वाल्मीकि ने, महाराज हम उन्हीं के शिष्य हैं, उन्होंने ही ये रामायण लिखी है। महर्षि वाल्मीकि? हाँ, उन्होंने रामायण लिखी है। तुम्हारे पिता कौन हैं? माता का नाम क्या है? वनदेवी। वनदेवी, वनदेवी,
महाराज, जब से हम समझने लगे, जब से हम रामायण पढ़ने लगे, तब से हम आपके दर्शन के लिए तरस रहे थे। आज ये इच्छा पूरी हुई, हम धन्य हो गए। लेकिन महाराज, महारानी के दर्शन अब तक नहीं हुए, वे कहाँ हैं? हमें महारानी के दर्शन की बड़ी इच्छा है, कहिए ना महाराज, वे कहाँ हैं? बालक, महर्षि वाल्मीकि ने तुम्हें यहीं तक रामायण सिखाई, आगे कुछ नहीं बताया। ये है महारानी। ये मूर्ति? मूर्ति क्यों महाराज? ये ना पूछो बालक, ये ना पूछो। महाराज, 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 इन सब बातों से तुम्हें क्या करना है कुमार, तुम्हें मालूम नहीं। महाराज ने महारानी का त्याग किया है। क्या? कोई अपराध? कोई अपराध नहीं। तो फिर क्यों? ये तो इस प्रजा से पूछो। प्रजा के रंजन के लिए ही महाराज को ये कार्य करना पड़ा। प्रजा के रंजन के लिए? प्रजा के रंजन के लिए महारानी का त्याग? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि जिस सती ने संसार के सामने स्त्री का महान आदर्श रखा है, जो पति परायणा है, पतिव्रता है, जिन्होंने पति के लिए हजारों संकट सहे हैं, उनका त्याग कराने में तुम्हारा कौन सा रंजन हुआ है, कौन सा कल्याण हुआ है? बोलो, बोलो, बोलो। तुम चुप हो? तुम वियोग का दुख जानते नहीं? देखो, देखो महाराज की ओर देखो, तुमने उनकी क्या हालत की है। तुम अपने सुख को देखते हो, अपने राजा के सुख को नहीं देखते। तुम अपने स्वार्थ को देखते हो, अपने राजा के हित को नहीं देखते। जिस राजा ने तुम्हारी तन मन धन से इतनी सेवा की, उनको तुमने ये बदला दिया। धिक्कार है इसी प्रजा को। चलो भैया लो, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, इससे तो हमारा तपोवन बहुत ही पवित्र है। सुनो, सुनो, इतने छोटे बालक भी क्या कहते हैं। अब भी तुम्हारी आंखें नहीं खुलती, अब भी तुम्हें पश्चाताप नहीं होता। क्षमा कीजिए गुरुदेव, हम सचमुच धिक्कार के पात्र हैं। हमने बहुत बड़ी भूल की है। हमने महाराज को दुखी किया, हमने महारानी को दुखी किया। और इन सब बातों का मूल ऐसे नीच पापी चंडाल मैं? हाँ हाँ, तू, तूने ही झूठी बातें फैलाई हैं। हाँ हाँ, तूने ही सबको बहकाया है। अरे मैं जा रहा हूँ। ये तुम क्या कर रहे हो? क्षमा, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए गुरुदेव। मैं सचमुच पापी हूं, मुझे क्षमा कीजिए गुरुदेव। गुरुदेव, हमने अयोध्या की प्रजा को ऐसे नहीं समझा था। ऊपर से अच्छे दिखने वाले नगर के लोग इतने मैले होते हैं, यह हमें आज ही मालूम हुआ। राजा राम ने भी प्रजा की ऐसी अयोग्य बात को क्यों मान लिया? नहीं गुरुदेव, अब हम यहां नहीं रहेंगे, चलिए आश्रम में चलिए। चलो बेटा, अब हमारा यहां कोई काम भी बाकी नहीं रहा। जिस उद्देश्य से मैंने तुम्हें रामायण पढ़ाई थी, वो आज सिद्ध हो गया। चलो चले।
लाओ, ये क्या कर रहे हो? ये यज्ञ का घोड़ा है, अयोध्या का घोड़ा है, पकड़ लिया। छोड़ दो, लाओ घोड़ा छोड़ दो। क्या हुआ वासंती? तुम्हारी लव ने घोड़ा पकड़ लिया, यज्ञ का घोड़ा, महाराज रामचंद्र का घोड़ा। यज्ञ का घोड़ा लव ने पकड़ लिया? लव, लव, देखो लव, इसके लिए तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। तो हम युद्ध करेंगे, इसीलिए तो हमें गुरुजी ने शस्त्रास्त्र विद्या सिखाई है। नहीं बेटा, अयोध्या की सेना का सामना करने के लिए तुम्हें शस्त्र विद्या नहीं सिखाई गई। छोड़ दो घोड़ा, छोड़ दो। तुम नहीं जानते, महाराज रामचंद्र बड़े पराक्रमी हैं, तुम उनसे युद्ध नहीं कर सकते। वाह, तब तो हम घोड़ा नहीं छोड़ेंगे। ऐसे पराक्रमी के साथ युद्ध करने का अवसर बड़े भाग से मिलता है। देखिए हमने शस्त्र विद्या कहाँ तक सीखी है। और माँ, तुम्हें तो कहा था कि हम क्षत्रिय के पुत्र हैं, युद्ध करना तो क्षत्रियो के लिए गौरव की बात है। नहीं बेटा, इस युद्ध में कोई गौरव नहीं। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? लेकिन राम जैसे आदर्श राजा के साथ युद्ध करना अच्छा नहीं। आदर्श राजा, जिन्होंने अपनी निरपराध पत्नी को त्याग दिया, उन्हें तुम आदर्श राजा कहती हो? हाँ माँ, अयोध्या में हमें सब मालूम हो गया है। ऐसे राजा को हम चक्रवर्ती सम्राट का पद कभी न प्राप्त करने देंगे। हम उनसे जरूर युद्ध करेंगे। भगवान, अब मैं इन्हें कैसे समझाऊं? ये नहीं मानते। बेटा, बेटा, राम तुम्हारे गुरुदेव, लाओ ने यज्ञ का घोड़ा पकड़ लिया। दोनों राम के साथ युद्ध करने पर तुले हुए हैं। बड़ा अनर्थ होगा, सारा तपोवन उजड़ जाएगा। बोलते नहीं गुरुदेव, उन्हें समझाइए, मुझसे ये नहीं देखा जाएगा। पिता पुत्र का युद्ध अच्छा नहीं, मेरे बच्चों को कलंक लगेगा। चिंता न करो बेटी, आज ही मेरे आत्मा को शांति मिल रही है। जो कुछ हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है।
लक्ष्मण जी घायल हो गए। दंडकारण्य में यज्ञ का घोड़ा पकड़ा गया। घोड़ा पकड़ा गया? किसने पकड़ा घोड़े को? दो ऋषि कुमारों ने। बड़े तेजस्वी हैं, बड़े पराक्रमी हैं महाराज। आज्ञा गुरुदेव। कल्याण मस्तु। भैया कुछ ये सब आ रहे हैं, अब मैं वायु से खेलता हूँ। बालकों ने मुझे हरा दिया। मैं बड़ा लज्जित हूँ। कहाँ है वे बालक? कहाँ है वे? महाराज रामचंद्र आ रहे हैं। अब सच्ची कसौटी है। ये तो वही बालक हैं जिन्होंने रामायण का गान किया था। ठहरो बालक, ठहरो। तुमने घोड़ा क्यों पकड़ा है? हम आपको चक्रवर्ती नहीं होने देना चाहते। क्यों? आपने अपनी निरपराध पत्नी का त्याग किया है। हम आपसे युद्ध करेंगे। सीते,
हट जाओ माँ, हम युद्ध करेंगे। नहीं बेटा, ये युद्ध नहीं हो सकता। तुम नहीं जानते बेटा, ये तुम्हारे पिता हैं। हमारे पिता? अयोध्या के महाराज रामचंद्र हमारे पिता। और माँ, तुम उनके घर से निकली हुई अभागिनी सीता हो। सीता, और ये मेरे पुत्र। लेकिन रुक क्यों गए श्री राम? ये तुम्हारे पुत्र हैं। अपने पुत्रों को गले लगाओ राम। राम, महर्षि, आप तो जानते हैं कि प्रजा की सम्मति के बिना। महाराज, राम, गुरुदेव, महाराज, प्रजा ने सम्मति दी है, आप पिता का स्वीकार कीजिए। हाँ महाराज, सारी प्रजा ने मिलकर विनती की है कि आप महारानी का स्वीकार करें। गुरुदेव, सीते, सीते। अरे पुत्र, ये स्वप्न तो नहीं है। नहीं बेटी, ये स्वप्न नहीं, मेरे स्वप्न की सिद्धि है। आज मेरी रामायण पूरी हुई। बेटा लव, बेटा खुश। आज मेरी आत्मा को संपूर्ण शांति मिली। महर्षि, आपने इन बालकों से रामायण का गान करवा के अयोध्या की प्रजा का हृदय पलट दिया। आपको कोटिशा धन्यवाद। गुरुदेव, आपका वचन सत्य हुआ। आज मेरा कलंक भूल गया, आज मेरा जीवन सफल हो गया। आर्य पुत्र, अब मेरे जीवन में कोई इच्छा बाकी नहीं। जी चाहता है कि मैं पवित्र चरणों में विलीन हो जाऊं। दुलारी पितृ कहे भई राज दुलारी, ससुर ग्रहे कुलवंती नारी, ससुर ग्रहे कुलवंती नारी, बनवासिन बल प्री बनो में, बनवासिन बल प्री बनो में, विपता सदा सही
प्रतिपदा सदा सही तेरी अमर भावना अमर रही तेरी अमर भावना अमर रही त्रेता द्वापर कलियुग जाए त्रेता द्वापर कलियुग जाए राम राज कोई भूल न पाए राम राज कोई भूल न पाए सदा जगत को याद रहेगी सदा जगत को याद रहेगी तेरी अमर कहानी तेरी अमर कहानी घर घर पूजा होगी तेरी घर घर पूजा होगी तेरी धन्य जगत जननी धन्य जगत जननी धन्य जगत जननी